बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। द टॉपिक ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रोलॉजी। वी विल कंटिन्यू विद डिफरेंट एरियाज, लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन, देन द क्लासिफिकेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी। सो लाइक एवरी डिजीज़, फर्स्ट वी स्टार्ट विद डेफिनेशन कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को हम डिफाइन कैसे करेंगे। क्रॉनिक किडनी डिजीज इज द प्रोग्रेसिव इररिवर्सिबल डिटेरियोरेशन ऑफ रीनल फंक्शन, राइट। तो ये क्या है, पहली चीज ये कि ये प्रोग्रेसिव है, यानी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, यानी वर्स होती चली जाती है। और जो डिटेरियोरेशन है रीनल फंक्शन का, दैट इज इररिवर्सिबल, यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज। आमतौर पे कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज हो, लाइक फॉर एग्जांपल क्रॉनिक हाइपरटेंशन, क्रॉनिक डायबिटीज, दैट मे लीड टू क्रॉनिक किडनी डिजीज। सीकेडी सम टाइम ड्राइव फ्रॉम एआरएफ, कभी कभी एक्यूट रीनल फेलियर भी कन्वर्ट होके क्रॉनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट। और वो एक्यूट रीनल फेलियर जो कि ट्रीटमेंट का जिसमें ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीज में। सो अगर हम इन ए नट शेल वी विल थिंक अबाउट इट, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या है। नंबर वन, इट इज प्रोग्रेसिव रीनल फंक्शन डिटेरियोरेशन, ऑफ प्रोग्रेसिव रीनल फंक्शन डिटेरियोरेशन एंड इररिवर्सिबल रीनल फंक्शन डिटेरियोरेशन। कैसे होगा, कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज होगी जिसकी वजह से होगा, एंड सम टाइम बिकॉज ऑफ एआरएफ, एंड दैट एआरएफ व्हिच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट। फिर हम आते हैं डेफिनेशन के बाद क्लासिफिकेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, सीकेडी इज डिफाइंड एज किडनी डैमेज और जीएफआर लेस देन 60 ml पर मिनट। तो GFR अगर 60 ml पर मिनट से नीचे आने लगे, तो फिर हम इसको रिकमेंड करेंगे या इसको डिक्लेयर करेंगे कि ये क्रॉनिक डिजीज है फॉर 3 months और ग्रेटर, यानी 3 महीने हो गए हो या इससे ज़्यादा हो, और क्रॉनिक जो GFR है वो लेस देन 60 ml पर मिनट चल रहा हो, तो फिर अब ये डिक्लेयर हो जाएगा कि ये पेशेंट जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज का है। किडनी डैमेज इज डिफाइंड एज पैथोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज और मार्कर्स ऑफ डैमेज, ठीक है। एक तो पैथोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज होंगी और दूसरे जो किडनी मार्कर्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, वो हमें पता चल रहा है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मेलिटीज इन ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यानी जो भी ब्लड और यूरिन टेस्ट हैं उनमें जो है वो एबनॉर्मेलिटीज वाजे होंगी, यानी एबनॉर्मल रिजल्ट्स आ रहे होंगे ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट, और इमेजिंग स्टडीज लाइक मे बी अल्ट्रासाउंड और मे बी एबडोमिन ऑफ द एक्स एबडोमिन एक्सरे, मे बी सी टी स्कैन और मे बी MRI, वॉट एवर द इमेजिंग स्टडीज विच वी हैव डन, वो सब के सब जो होंगी वो कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज शो कर रही होंगी। तो द पॉइंट इज दैट कि सबसे पहली चीज तो ये है कि 3 months और उससे ग्रेटर हो गए हो, और GFR जो है वो यानी क्रिएटिनिन क्लीयरेंस लेस देन 60 ml पर मिनट हो, और ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट भी एबनॉर्मल हो, और इमेजिंग स्टडीज यानी जो भी इमेजिंग की गई है उसमें भी जो मार्कर्स ऑफ डैमेज या पैथोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज क्लियरली मेंशन हो। CKD हैज रिसेंटली बीन रीक्लासिफाइड एज स्टेज 1 to 5। CKD को जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ नेफ्रोलॉजी है उसने जो है डिफाइन किया है एज स्टेज 1 to स्टेज 5 टू डिनोट द सीवियरिटी ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट, के सीवियरिटी रीनल इम्पेयरमेंट की कितनी है। डेफिनेटली स्टेज 1 जो है वो सबसे लेस सीवियर है और स्टेज 5 सबसे हाईएस्ट सीवियरिटी की लेवल पर है। जर्नली CKD इफ लेफ्ट अनट्रीटेड प्रोग्रेस एट ए प्रिडिक्टेबल स्टेडी रेट फ्रॉम स्टेज 1 थ्रू स्टेज 5। अगर CKD को बिल्कुल भी नहीं देखा गया और बिल्कुल ट्रीट नहीं किया गया, तो फिर ये डेफिनेटली स्टेज 1 पे अगर होगी तो स्टेज 2 पे जाएगी, फिर स्टेज 2 से स्टेज 3 पे जाएगी, स्टेज 3 से स्टेज 4 और बिलाकर स्टेज 5 तक
पहुंच जाएगी और पेशेंट जो होगा वो फिर डायलिसिस पे पहुंच जाएगा, यानी ये प्रोग्रेस करेगी और जो भी डैमेज होगा किडनी में दैट वुड बी इरिवर्सिबल। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यानी किस बेस पे हम ये कहेंगे कि पेशेंट इज हैविंग स्टेज 1 CKD, कब उसकी स्टेज 2 है, कब स्टेज 3 है, कब स्टेज 4 है, कब स्टेज 5 है। तो जो गाइडलाइन है उसने इसको हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है, उसने GFR की बेस पर इसको डिफाइन कर दिया बिल्कुल क्लियरली। लाइक स्टेज 1 इज डिफाइंड एज ए किडनी डैमेज विथ ए नॉर्मल और इंक्रीज GFR, या तो नॉर्मल GFR होगा या इंक्रीज GFR होगा। द करिस्पॉन्डिंग GFR इन स्टेज 1 CKD इज यूजली ग्रेटर देन 90 ml/min। आमतौर पर ये जो होगा वो ग्रेटर देन 90 ml/min होगा। ये जो है BSA है नॉर्मल इंडिविजुअल का, हमारे लिए क्लिनिकली इतना ज़्यादा इस वक्त सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 90 ml/min या इससे ग्रेटर होगा तो हम उसको स्टेज 1 CKD कहेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ ब्लड में एबनॉर्मेलिटीज़ या यूरिन में एबनॉर्मेलिटीज़ वाजे होंगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन यूरिया है, माइल्ड प्रोटीन यूरिया है, यानी इसके अलावा ये कि जो है वो और कोई जो है वो माइल्ड हेमेट्यूरिया है या इस तरह की कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो वो बता रही होंगी कि नहीं, बहरहाल कुछ ना कुछ डैमेज तो है। ऑल दो GFR इज स्टिल ग्रेटर देन 90 ml/min, लेकिन देयर आर सम प्रॉब्लम। स्टेज टू हम कब डिक्लेयर करेंगे? स्टेज टू डिफाइन एज किडनी डैमेज और माइल्डली डिक्रीज GFR, और डिक्रीज होके कितना होगा? अगर 60 से 89 ml/min तक चल रहा है, GFR इज इन बिटवीन 60 to 89 ml/min, तो इस वक्त पेशेंट को डिक्लेयर किया जाएगा कि पेशेंट इज इन स्टेज 2 क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसी तरीके से स्टेज 3 पे जाएं तो फर्दर जो है वो के जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है या GFR जो है वो फर्दर कम हो जाएगा। सिग्निफाइज द मॉडरेट रिडक्शन इन GFR, और वो वैल्यू क्या होगी? 30 से लेके 59 ml/min। यानी अगर किसी पेशेंट का GFR कैलकुलेट होके 30 से 59 ml/min आएगा तो फिर हम उसको क्लासिफाई कर देंगे कि ये स्टेज 3 क्रॉनिक किडनी डिजीज है। इसी तरीके से अगर स्टेज 5 की आप बात करें तो वहां पे GFR होगा इन बिटवीन 15 to 29 ml/min, और स्टेज 5 जो होगी, जो लास्ट स्टेज है, दैट इज द GFR इज लेस देन 15 ml/min। तो लेस देन 15 ml/min पे ये इसकी लास्ट स्टेज होगी, स्टेज 5 होगी, और ये GFR जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या हम इसको इस वक्त क्लासिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट इज हैविंग स्टेज 5 किडनी फेलियर या स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसके बाद हम आते हैं एज CKD प्रोग्रेसेस नेफ्रॉन डिस्ट्रक्शन वर्सेस। इसी वजह से तो GFR धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि वो जब स्टेज 1 से स्टेज 5 की तरफ प्रोग्रेस कर रही है तो ग्रेजुअली GFR कम होता जा रहा है। व्हाई? बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन लीडिंग टू डिटेरियोरेशन इन किडनी फिल्ट्रेशन, और जब नेफ्रॉन सही काम नहीं करेंगे तो किडनी का फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी डिटेरियोरेट होगा, रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस भी डिटेरियोरेट होगा, एंड ऑल्सो डिस्टरप्टिंग द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द किडनी। जो एंडोक्राइन फंक्शंस हैं किडनी के, यानी जो एल्डोस्टेरोन का सिस्टम है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, यानी जो रीनल हार्मोन है जो किडनी के एड्रिनल मेड्यूला से जो है वो रिलीज होते हैं, वो हार्मोन भी जो होंगे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन पे अगर हम बात करें तो रीनल फंक्शन टिपिकली डज नॉट डिमिनिश अंटिल 75% ऑफ किडनी टिश्यू इज डैमेज। जो रीनल फंक्शन जो होगा वो कब तक जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं होगा, जब तक 75% किडनी डैमेज नहीं हो जाते या किडनी टिश्यू 75% डैमेज नहीं हो जाते। अल्टीमेटली द किडनी बिकम्स श्रंकिंस फाइब्रोटिक मासेस,
और फिर क्या नतीजा निकलेगा, किडनी जो है वो जैसे जैसे डैमेज होती चली जाएगी तो किडनी का साइज जो होगा वो श्रिंक होता चला जाएगा, छोटा होता जाएगा और फाइब्रोटिक मासिस में कन्वर्ट होती जाएगी, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि किडनी में नेक्रोसिस होता चला जा रहा है और पेशेंट की किडनी जो है वो कंप्लीटली डिसफंक्शन होती चली जा रही है। तो दैट विल बी कंडीशन जब, यानी अगर हम इमेजिंग स्टडीज कराएंगे तो उसमें ये वाले फाइब्रोटिक मासेस या श्रंकिन किडनी जो होगी वो हमें नजर आ रही होगी। नाउ इटियोलॉजी और अदर कॉजेज ऑफ सीकेडी क्या क्या है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट में गो इन क्रॉनिक किडनी डिजीज। नंबर वन, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। हमने मैंने जैसे भी बात किया, उन्होंने जब से यहाँ पे जब शुरू में डिफाइन किया था, उन्होंने कहा था रिजल्टिंग फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज लाइक डायबिटीज। मैंने उस वक्त भी बताया था कि डायबिटीज इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज। तो डायबिटिक अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी तो दैट विल ग्रेजुअली डैमेज द किडनी। इसके अलावा क्रॉनिक हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन भी करता है, हाइपरटेंशन भी स्पेशली इफ इट इज अनकंट्रोल्ड, तो हाइपरटेंशन मे ऑल्सो लीड टूवर्ड्स द क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसके अलावा अगर ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हो या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो या लॉन्ग स्टैंडिंग वेस्कुलर डिजीज लाइक फॉर एग्जाम्पल रीनल आर्टरी स्टिनोसिस, ठीक है, जैसे स्टिनोसिस किसे कहते हैं, रुकावट को, क्या रीनल आर्टरी में कोई रुकावट है कि जिसकी वजह से जो है वो इसको हम वेस्कुलर डिजीज भी कह सकते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग वेस्कुलर यूरोपैथी फॉर एग्जाम्पल रीनल कैलकुलाई यानी किडनी स्टोन्स, कैलकुलस स्टोन्स, कैल्शियम स्टोन्स यूरिन में और रीनल ट्यूब्यूल में, और इसके अलावा जो है वो यूरेटर्स में, यूरेथ्रा में, तो जिसकी वजह से जो है जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, जो ब्लॉकेज हो रही है, उसकी वजह से भी पेशेंट जो होगा वो ग्रेजुअली क्रॉनिक किडनी डिजीज में जाना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक्सपोजर टू नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स, मुसलसल पेशेंट ऐसी ड्रग्स खा रहा है जो कि नेफ्रोटॉक्सिक्स हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल एम्फोटेरिसिन बी हो गई या जो है वो खुद लूप डायोरेटिक्स हो गई या फिर ये कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स हो गई हैं, जो फेमस ऐसी ड्रग्स हैं जिससे पेशेंट बार बार एक्सपोज हो रहा है, यानी पेशेंट की किडनीज बार बार ऐसी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग से एक्सपोज हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी पेशेंट फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज में या क्रॉनिक किडनी फेलियर में जाना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीजेस। इसके अलावा भी अगर कोई और टॉक्सिन्स हो बॉडी में, फूड टॉक्सिन्स हैं, वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फूड में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हो सकते हैं, प्लांट्स के टॉक्सिन्स हो सकते हैं, वो ये कॉज कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो इन चीज़ों को जो है वो कॉजेज को जो है वो हमेशा डायग्नोसिस के टाइम पर अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए, स्पेशली वैन यू आर टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। तो क्लिनिकल इवेल्यूएशन, क्लिनिकल इवेल्यूएशन में फिर वही बात आ जाती है, HPLC यानी हिस्ट्री लेना है पेशेंट की। हिस्ट्री लेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। उसके बाद होता है, हिस्ट्री लेने के बाद सेकंड स्टेज इज फिजिकल फाइंडिंग और फिजिकल इवेल्यूएशन, ठीक है। तो फिजिकल फाइंडिंग्स में आप देखें साइन एंड सिम्टम्स विच वेरी वाइडली डू नॉट अपियर अंटिल रीनल इनसफिशेंसी प्रोग्रेसिस टू रीनल फेलियर। ये बात हम अभी ऊपर भी कर चुके हैं यहाँ पर कि रीनल फंक्शन टिपिकली डज नॉट डिमिनिश अंटिल अबाउट 75% ऑफ टिश्यू डैमेज। यहाँ पर ये भी यही बात कर रहे हैं कि साइन एंड सिम्टम्स जब तक अपियर नहीं होंगी, जब तक जो है वो इन रीनल इनसफिशेंसी जो होगी वो रीनल फेलियर की तरफ जाना शुरू नहीं हो जाएगी, यानी वही नियर अबाउट 75% किडनी डैमेज हो चुकी होगी, तब जाके ऐसा होगा कि साइन एंड सिम्टम्स अपियर होना शुरू हो जाएंगी और उस वक्त ही पेशेंट जो होगा कंसर्न होगा और अपने फिजिशियन को कंसल्ट करेगा और जब उसका डायग्नोसिस किया जाएगा तो पता चलेगा कि अच्छी खासी किडनी डैमेज हो चुकी है, पेशेंट एक सर्टेन स्टेज पर पहुंच चुका है। इसके बाद हम आते हैं मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज। क्या मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज होंगी जिसको हम फिजिकल साइंस में, फिजिकल फाइंडिंग्स में कंसिडर कर सकते हैं? इंक्लूड लॉस ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन सोडियम पोटेशियम एंड वाटर होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो लॉस ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर्टिकुलरली सोडियम पोटेशियम एंड वाटर एंड लीडिंग टू हाइपोनेट्रीमिया
और समटाइम्स हाइपरनेट्रीमिया, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है बेस्ड ऑन रिलेटिव सोडियम और वाटर इंटेक। ठीक है, कि हाइपर और हाइपो में से कौन सी कंडीशन होगी वो डिपेंड कर रहा होगा पेशेंट का सोडियम और वाटर इंटेक क्या है। अच्छा, हाइपरकैलीमिया इज अनकॉमन अंटिल एंड स्टेज डिजीज, यानी जो स्टेज 5 के बाद है, दिस इज कॉल्ड एंड स्टेज डिजीज, या उसको ESRD भी कहा जाता है, यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज। जब क्रिएटिनिन क्लियरेंस या GFR लेस देन 10, और इन सम लिटरेचर इट इज मेंशन द GFR इज लेस देन 5 ml पर मिनट, यानी कुछ लिटरेचर में लेस देन 10 ml का तस्करा किया गया और कुछ लिटरेचर में GFR लेस देन 5 ml पर मिनट किया गया है डिस्कस, तो रिपोर्ट किया गया, तो उसको कहा जाता है एंड स्टेज डिजीज या एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो हाइपरकैलीमिया जो होगा वो इज अनकॉमन, यानी शुरू में तो अनकॉमन होगा लेकिन आखिर में हो जाएगा जब पेशेंट एंड स्टेज रीनल डिजीज में जाना शुरू हो जाएगा या उसमें जा चुका होगा। इसके अलावा फ्लूड ओवरलोड, एडिमा एंड CHF मे बिकम ए प्रॉब्लम अनलेस फ्लूड इनटेक इज क्लोजली मैनेज्ड। अगर पेशेंट को एडिमा है, खास तौर से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पहले से पेशेंट का हार्ट डैमेज है और वीक है, स्पेशली इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू पंप आउट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली बिकॉज ऑफ इट्स फेलियर, तो उस सूरत में जो होगा ये प्रॉब्लम और वर्स होना शुरू हो जाएगी। एज रीनल फेलियर प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे रीनल फेलियर प्रोग्रेस होता जाएगा, द इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट एसिड एंड मेंटेन बफर कैपेसिटी लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये भी होगा बिल्कुल, ठीक है, कि जैसे जैसे रीनल फेलियर होता चला जाएगा, बॉडी की कैपेसिटी टू मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट टू मेंटेन द बफर, ये भी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी और पेशेंट जो होगा वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाना, यानी ब्लड इसका एसिडोसिस एसिडिक होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से फिर फर्दर बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, जिसको हम ऑलरेडी एक्यूट रीनल फेलियर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म इज ऑल्टर्ड ड्यू टू हाइपर पैराथायरायडिज्म, ये भी होगा, हाइपोकैल्शियमिया होगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा, इस पर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक्यूट रीनल फेलियर में, ठीक है, ड्यू टू हाइपर पैराथायरायडिज्म, जिसकी वजह से जो होगा वो कैल्शियम होम्योस्टेसिस, फॉस्फेट लेवल, ये सब भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। जब ये सब के सब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, यानी सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, कैल्शियम लेवल, फॉस्फेट लेवल, मेटाबॉलिक एसिडोसिस शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब वो न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस हमें कैसे पता चलेंगी, वो वाजे तौर पर हमें नजर आ रही होंगी पेशेंट को ऑब्जर्व करके, यानी साइन एंड सिम्टम्स का पार्ट होंगी, लाइक शॉर्ट अटेंशन स्पैन, पेशेंट किसी भी चीज को अटेंशन नहीं दे सकता, यानी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, तो बार बार उसकी अटेंशन जो होगी वो डाइवर्ट होगी, लॉस ऑफ मेमोरी, याद रखने की सलाहियत भी पेशेंट की कम हो जाएगी, लिस्टलेसनेस मीन्स के पेशेंट की जो ऑर्गेनाइज थॉट्स होती हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, पेशेंट कैन नॉट रिमेंबर के उसको क्या करना चाहिए, जैसे कोई भी काम करने के बाज दफ़ा सर्टेन स्टेजेस होते हैं कि फर्स्ट स्टेज में ये करना है, सेकंड स्टेज में ये करना है, थर्ड स्टेज में ये करेंगे तो वो काम मुकम्मल हो जाएगा, बट लिस्टलेसनेस इज ए सिचुएशन इन विच पेशेंट इज डूइंग दैट थिंग विच द पेशेंट इज सपोज टू डू इन द लास्ट स्टेज, लेकिन वो उसको सबसे पहले कर रहा है, तो उस वजह से वो काम सही तरह से अंजाम नहीं दे सकेगा, यानी उसकी सीक्वेंस उसको सही तरह से याद नहीं रहेगी। एज CKD प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे CKD प्रोग्रेस होती जाएगी, दीज एडवांसेस टू कन्फ्यूजन, और फिर पेशेंट कन्फ्यूजन का शिकार होगा, स्ट्यूपर्स, यानी वही है कि उसको कोमा, नॉट ए कोमा, स्ट्यूपर इज ए सिचुएशन इन विच पेशेंट कैन have some sense but it is not in a complete sense. Seizures may develop, ठीक है, वही tetani, hypocalcemia की वजह से, and finally lead to coma. ये final stage होगी जिसमें वो coma में जाना या coma में चला जाएगा. Neuromuscular findings include peripheral neuropathy and pain होगा, itching and burning sensation. ठीक है, तो ये न्यूरोलॉजिकल
न्यूरोमस्कुलर फाइंडिंग्स होगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेन होगा, इचिंग होगी स्किन पे, एंड द बर्निंग सेंसेशन, दैट ऑल आर द न्यूरोलॉजिक और न्यूरोमस्कुलर फाइंडिंग्स और न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस। इसके अलावा ये जो सारी फाइंडिंग्स है, जैसे जिन्होंने बात की कि बर्निंग सेंसेशन, इचिंग एंड पेन, दैट आर पर्टिकुलरली इन फीट्स एंड लेग्स, आमतौर पर यह होंगी फीट्स में और लेग में। पेशेंट में अपियर इंटॉक्सिकेटेड। अच्छा, इफ डायलिसिस इज नॉट स्टार्टेड, अगर पेशेंट का डायलिसिस स्टार्ट नहीं किया गया है, देन दीज एबनॉर्मेलिटीज अकर, मोटर इन्वॉल्वमेंट बिगिन, इंक्लूडिंग लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जिसकी वजह से पेशेंट के लिए इवन स्टैंडिंग पोजिशन पर यानी खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाएगा, वीकनेसेस, एंड फाइनली क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया यानी चारों लिम्ब जो होंगे, यानी दोनों हाथ और दोनों पांव, उनमें पैरालिसिस की तरफ पेशेंट जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स में इंक्लूड आर्टीरियल हाइपरटेंशन होगा, पेरिफेरल एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेफिनेटली और वर्स होना शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं है तो पेशेंट उसमें जाना शुरू हो जाएगा, एंड पल्मोनरी एडिमा। लाजमी बात है, जब एडिमा होगा, जब हार्ट फंक्शन काम नहीं करेगा, हार्ट पंप आउट नहीं करेगा इनसफिशियंट क्वांटिटी, ब्लड पंप आउट नहीं करेगा सफिशियंट क्वांटिटी, तो फिर लंग्स में भी वाटर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, दैट मे लीड टू पल्मोनरी एडिमा। यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस यानी यूरिमिया होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट जमा हो जाएंगे अराउंड द हार्ट, उसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस, जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, एंड इज नाउ इंक्रीजिंगली इनफ्रीक्वेंट एज ए रिजल्ट ऑफ अर्ली डायलिसिस। ठीक है, अगर अर्ली डायलिसिस कर दिया गया तो फिर ये यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन अगर ये नहीं हो सका अर्ली डायलिसिस, खासतौर से रिमोट एरिया है जहाँ पर ये फैसिलिटीज डायलिसिस की अवेलेबल नहीं है, पेशेंट बहुत लेट हो गया, तो फिर यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। GI मैनिफेस्टेशंस यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या होंगे, हिकअप्स हो सकता होगा, डेफिनेटली जब इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होगा, पर्टिकुलरली जब हाइपोनेट्रीमिया होगा तो हिकअप्स होगा, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, नॉसिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, स्टमाटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन इन द माउथ, एंड द अनप्लेजेंट टेस्ट इन द माउथ, यानी माउथ में जो भी टेस्ट होगा वो दैट विल बी अनप्लेजेंट, ये सारी GI मैनिफेस्टेशंस में शामिल है। CKD पेशेंट्स हैव एन इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ अल्सर्स, पेनक्रियाटाइटिस एंड डायवर्टिकुलोसिस, यानी जो इलियम जो और जो कोलोन है उनकी इन्फ्लेमेशन जो है, दैट इज कॉल्ड डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलाइटिस, और पेनक्रियाटाइटिस और अल्सर्स के चांसेस इन पेशेंट्स में बढ़ जाएंगे। ये भी GIT मैनिफेस्टेशंस में शामिल है इन दोज पेशेंट्स हु हैव क्रॉनिक किडनी डिजीज। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या होंगे, इंक्लूडिंग डिस्निया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, व्हेन CHF इज प्रेजेंट पर्टिकुलरली, यानी डिस्निया विल बी मोर वर्स्ट इफ द प्रेजेंट पेशेंट इज हैविंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा, हम इस पर बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं, प्लूराइटिक पेन यानी जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, जो लंग के अराउंड मेम्ब्रेन होती है, उसमें पेन यानी चेस्ट पेन होगा। इसके अलावा यूरिमिक प्लूराइटिस भी हो सकता है, यानी जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसमें भी नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी वो जाके डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको हम कहते हैं यूरिमिक प्लूराइटिस। इसके अलावा इंटेग्यूमेट्री फाइंडिंग, ठीक है, इंटेग्यूमेट्री फाइंडिंग्स ये क्या होंगी, टिपिकली इंक्लूड पेल येलोइश ड्राई स्केली स्किन, ठीक है, पेल स्किन, येलोइश स्किन, ड्राई स्किन, स्केली स्किन। इसके अलावा सीवियर इचिंग होगी, यूरेमिक फ्रॉस्ट यानी स्किन पर जो होंगे वो नाइट्रोजिनस वेस्ट के जो होंगे फ्रॉस्ट यानी डिपॉजिट होंगे क्रिस्टल्स, एक्यूमोसिस यानी स्किन पे पैचेस पड़ेंगे, निशान नजर आएंगे, परप्यूरा ये भी एक पर्टिकुलर टाइप के जैसे एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है उस तरह के निशान होते हैं, एंड ब्रिटिल नेल्स एंड हेयर्स जो कि आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, यानी जैसे क्योंकि ड्राई होने की वजह से ये नेल्स जो होंगे और हेयर जो होंगे वो ब्रिटिल हो जाएंगे और बहुत आसानी से ये ब्रेक हो जाएंगे। तो
तो ये भी जो होगी इंटेग्यूमेंट्री फाइंडिंग्स होंगी उस पेशेंट में जो के क्रॉनिक किडनी डिजीज का होगा। इसके बाद आता है मस्कुलो स्केलेटल चेंजेस। मस्कुलो स्केलेटल चेंजेस क्या होंगे? मस्कुलो स्केलेटल चेंजेस रेंजेस फ्रॉम मसल एंड बोन पेन टू पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स एंड कैल्सिफिकेशन इन द ब्रेन, हार्ट, आईज, ज्वाइंट्स एंड वेसल्स। के पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्यों होंगे? क्योंकि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से जो कैल्शियम जो होगा वो बोन से बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी और बोन मिनरल डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। और ये कैल्शियम फिर जाएगा कहाँ? ये जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा सॉफ्ट टिश्यू में, लाइक ब्रेन, हार्ट, आईज, ज्वाइंट्स एंड अदर वेसल्स। जहाँ जहाँ जो होंगे सॉफ्ट मसल्स होंगे, सॉफ्ट टिश्यूज होंगे, वहाँ जाके कैल्सिफिकेशन यानी उनमें जाके ये कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन एंड रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में आकर, ठीक है, जो ये जैसे मैंने अभी बताया कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये कैल्सिफिकेशन इन ब्रेन, हार्ट, आईज, ये सब क्या, इसको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन एंड रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। और किडनी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी यानी किडनी से भी जो कंट्रोल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी यानी बोन की डिस्ट्रॉफी यानी उसकी जो वो साइज है वो रिड्यूस होना, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो होगा ऐसी सिचुएशन होगी जो के क्रिएट हो रही होगी जब जो है वो पेशेंट में क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से हेमेटोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होंगे। इसके अलावा हेमेटोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी होंगी यानी ब्लड पिक्चर में भी डिस्टर्बेंसेस आएंगी, इंक्लूड एनीमिया, एनीमिया होगा। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया अराइज फ्रॉम द लैक ऑफ ई पोइटिन अल्फा एंड रिड्यूस लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। दो वजूहात होंगी एनीमिया की। एक तो वजह यह होगी कि क्योंकि ई पोइटिन अल्फा क्या है? इट इज एरिथ्रोपोएटिक हार्मोन। ये रिलीज होता है किडनी से, लेकिन जब पेशेंट किडनी फेलियर में जा रहा होगा तो किडनी से ई पोइटिन अल्फा रिलीज होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा तो फिर बोन मैरो से आरबीसी भी बनना कम हो जाएंगे। जब आरबीसी बनना कम हो जाएंगे तो फिर हीमोग्लोबिन भी कम बनना कम हो जाएगा और जिसकी वजह से पेशेंट एनीमिया में जाना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो ब्लड का जो पीएच एसिडिक हो रहा है यानी सिस्टमिक एसिडोसिस हो रहा है, उसकी वजह से आरबीसी की लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगी, यानी जो उसकी 120 डेज की लाइफ स्पैन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो रेड ब्लड सेल काउंट भी जो है बहुत तेजी से गिरने शुरू हो जाएंगी और उसकी वजह से भी एनीमिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में पेशेंट को हम कैसे डायग्नोस करेंगे यानी फिजिकल सिम्टम साइंस क्या होंगी? पैलोर ऑफ द स्किन यानी पेल स्किन, नेल बैड यानी जो नाखून है उनको भी अगर आप देखेंगे तो वो भी पेल होंगे, पाम्स यानी जो हथेली हैं वो भी पेल हो जाएंगी, कंजंक्टिवा आई का जो ये वाइट्स होता है, वाइट जो पोर्शन होता है ये भी बिल्कुल पेल होना शुरू हो जाएगा, एंड म्यूकोजा और जो म्यूकोजा है स्किन पर या जो जहाँ जहाँ म्यूकोजा है वो भी बॉडी के म्यूकोजा भी वो भी सही नहीं, पूरा स्किन, नेल बैड्स, पाम्स, कंजंक्टिवा, म्यूकोजा ये सारे जो होंगे वो पेल होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एबनॉर्मल ब्रूजिंग और एक्यूमोसिस। एक तो ये कि एबनॉर्मल ब्रूजिंग बहुत आसानी से रेडनेस स्किन पर आ जाएगी, जख्म हो जाएगा। एक्यूमोसिस यानी स्किन पर पैची जो होंगे वो एक निशानात से पड़ने, पैच की सूरत में निशानात पड़ने शुरू हो जाएंगे। एंड यूरेमिक ब्लीडिंग ड्यू टू प्लेटलेट इनएक्टिवेशन, साथ ही प्लेटलेट भी इनएक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से यूरेमिक ब्लीडिंग यानी ब्लड और नाइट्रोजनस यूरीमिया यानी यूरेमिक के साथ, यूरिया नाइट्रोजन के साथ, अमोनिया के साथ वो आना शुरू कर देगा। अच्छा, अब जब डेफिनेटली एनीमिया होगा यानी आरबीसी काउंट कम होगा तो ब्लड, क्योंकि देखें इट इज रेड ब्लड सेल विच सप्लाई द ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, तो लाजमी बात है हार्ट को भी ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? आरबीसी सप्लाई करते हैं, हीमोग्लोबिन सप्लाई करता है। जब वो कम होने लगेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा? डिस्निया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस तेजी से चलने लगेगा, एंड एंजाइना पेक्टोरिस यानी पेशेंट का जो एंजाइना होगा वो जो होगा पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मायोकार्डिया को जब सफिशेंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उस सूरत में फिर एंजाइना पेन भी होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से ये सिम्टम्स भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ एनीमिया।
इसके अलावा एक्सट्रीम फटीक, इन जर्नल भी ऐसा होता है अक्सर जो है वो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जी मुझे बहुत वीकनेस होती है, जब पता चला है उनका हीमोग्लोबिन कराया तो पता चला हीमोग्लोबिन इज लेस देन नॉर्मल। तो डेफिनेटली अब ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें तो बाकायदा एनीमिया हो रहा है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से, और उसकी वजह से जब हीमोग्लोबिन भी कम होगा तो फिर पेशेंट जो होगा वो ये साइन शो करेगा कि उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होना शुरू हो गई है। तो इसके साथ ही ये अब हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होता है, और जहाँ तक बात है डायग्नोस्टिक टेस्ट की और डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स की, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।